दोस्तों आज आपको एक देश के बारे में बताऊंगा जिसका कुछ हिस्सा यूरोप में है और कुछ हिस्सा एशिया में है। एक ऐसा देश जहां पर 19% आबादी चाय को बहुत पसंद करती है। एक दिन में 10 कप चाय एक आदमी तो पीती है। ये वो देश है जहां पर 99% सिटीजन एक ही धर्म से है, फिर भी ये देश एक सेकुलर यानी धर्म निरपेक्ष है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ तुर्की यानी तुर्की देश के बारे में, जिसका ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ टर्की और देश की राजधानी है अंकारा। मगर टर्की का सबसे बड़ा इकोनॉमिक सिटी है दोस्तों इस्तांबुल। तो दोस्तों टर्की देश में करीब 9 करोड़ पॉपुलेशन मौजूद है। इनमें से 76% आबादी शहर में रहती है और 24% आबादी गांव में रहती है। तो दोस्तों इस वीडियो में टर्की के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे जो पूरी दुनिया से अलग है। दोस्तों टर्की में एक ऐसा पुल है जो दोनों मुहाते को जोड़ता है, जिसमें एक हिस्सा एशिया में है और दूसरा हिस्सा यूरोप में मौजूद है, इसलिए टर्की को एशिया का पुल भी कहा जाता है। टर्की में 99% आबादी इस्लाम को फॉलो करती है, फिर भी ये देश एक सेकुलर यानी धर्म निरपेक्ष देश है। यूरोप में कुछ हिस्सा होने के कारण टर्की में आपको वेस्टर्न कल्चर यानी यूरोपियन कल्चर दिख जाएगी। टर्की एक एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट पे खड़ा है, इसलिए टर्की के आसपास अरबियन प्लेट, यूरेशिया प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इन तीनों बड़ा प्लेट से टर्की घिरा हुआ है, इसलिए आपको टर्की में सबसे ज़्यादा भूकंप दिख जाएगी। दोस्तों टर्की का कुछ हिस्सा यूरोप में मौजूद होने के कारण यूरोप की सबसे ज़्यादा पक्षियों की प्रजाति आपको टर्की में दिख जाएगी। टर्की देश में लाल रंग की टोपी पहनकर बाहर निकलना कानूनी अपराध है, क्योंकि खुद मुस्तफा कमाल पाशा ने इसे बैन किया है, जो टर्की का फाउंडर था, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये कट्टरता की निशानी है। अगर टर्की की करेंसी की बात करें तो टर्की की करेंसी को लीरा कहा जाता है। एक लीरा की वैल्यू 5 इंडियन रुपी होता है। यूरोप में होने के कारण टर्की लीरा भारतीय रुपी से थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। अगर टर्की की जियोग्राफी की बात करें तो टर्की तीनों तरफ से समुद्रों से घेरा हुआ है। पश्चिम में एशियन सागर, उत्तर में काला सागर और भूमध्य सागर मौजूद है, इसलिए देश में हर जगह आपको बहुत सारे बीचेस दिख जाएगी। टर्की में अगर खाने की बात करें तो टर्की नॉन वेज फूड्स बहुत पसंद करती है, इसलिए टर्की में डोनर कबाब बहुत पॉपुलर फूड है। इसके अलावा टर्की में आपको चिकन वाला मिठाई दिख जाएगी। दोस्तों इस वीडियो को अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।